केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने अभी अभी नामांकन किया है, मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। मंत्री, आपने नामांकन किया है, काफी आपने जनता को समय भी दिया है, मंत्री के रूप में काम भी किया है, क्या एजेंडा होगा और कितना आश्वस्त है? अरे जिला विकास होगा, एनडीए की सरकार का एजेंडा विकास होता है, विकास ही आधार है, सबका साथ सबका विकास। और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने संयुक्त रूप से जो विकास किया अद्भुत है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिला, पुरुष, सबके लिए काम किया बिना भेदभाव। और विकास ही आगे एजेंडा है हमारा। जनता सरकार क्यों बनाती है? राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश की ताकत के लिए और विकास के लिए। वो सब काम किया है मोदी जी ने, इसलिए पुनः इस बार भारी मतों से एक पाटलिपुत्र की जनता अपने सेवक को सारे 14 में त्रिपुरा था, अभी समीकरण बदला हुआ है, आप अपने पक्ष में या पीछे था? अरे एक पक्षीय, अरे बातियों एक पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में कोई नहीं है कंटेस्ट में, सारा का सारा ध्वस्त हो गया है। एनडीए के उम्मीदवार हूं मैं, तो सब वर्ग, सब तबका का, वो सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और इस बार उससे ज्यादा मतों से मिलेगा, मुझे जीत मिलेगा, क्योंकि मोदी जी के पास भी आकर्षण बढ़ा है और अपने सेवा को जो 5 साल तक मजदूरी किया है, जो मजदूरी किया है उसको मिलेगा ना कीमत? मिलेगा, ये देखिए जनता, आपने देखा नहीं यार, जिस तरह से जन उभार था, उफान था और खासकर नौजवानों का जो हुजूम था, वही तो दिखा रहा है रिजल्ट आउट है। एक मुद्दा एनडीए का होता है राष्ट्रवाद, जो की राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा होता है, क्या आपके क्षेत्र में इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, राष्ट्र तब ना हम है, पहला राष्ट्र, राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? और जिस तरह से अपने कौशल का परिचय दिया है मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, अद्भुत है, लोगों का विश्वास बढ़ा है, देश की अस्मिता और सुरक्षा मोदी जी की और एनडीए के हाथ में ही सुरक्षित रह सकती है। और ये कर्तव्य करके दिखाया है, विश्वास में उनका बढ़ा है, आस्था बढ़ा है, तो कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि कांटे की टक्कर पाटलिपुत्र में? कौन सा कांटे का टक्कर भाई, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, जनता लगा लेना। शुक्रिया। तो ये केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नामांकन किया है और साफ कर दिया है कि विकास को, चलिए चलिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, इसके अलावा ये सुरक्षा का सवाल है, नहीं पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र।